हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू अरा मैथ्स क्लासेस। एलजेब्रा का हम 5th चैप्टर कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम्स की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट एग्जांपल है, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेयर ए इज दिस। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास और आपको इसको वेरीफाई करना है कि ए हमारी प्रॉपर और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या करोगे यहाँ पे? प्रॉपर मैट्रिक्स क्या होती है? प्रॉपर मैट्रिक्स इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आ जाता है। ओके, और इम्प्रॉपर में क्या आता है? डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ से पहले तो आपको इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना पड़ेगा, मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी प्रूव करोगे तो ए आपके पास आ जाएगा ऑर्थोगोनल। ओके, जब ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएगी फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। इक्वल टू 1 आ जाता है देन मैट्रिक्स ए इज दिस इज ऑर्थोगोनल, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे और ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए, देन ए आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो 1 आ जाएगा, देन वेरीफाई हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। ए आपके पास गिवन है रियल स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, ये हमें गिवन है। एंड कहता है कि ए स्क्वायर प्लस आई आइडेंटिटी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये आपको गिवन है, शो करना है हमें ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी एंड इज ऑफ इवन ऑर्डर। तो प्रूव यहाँ पे ये करोगे कि ए मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है और ये कंडीशन होल्ड करती है तो हमें प्रूव करना है कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और इसका ऑर्डर इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थोगोनल प्रूव करते हैं, ये हमें गिवन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स ए से, ए इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे रियल सिमेट्रिक गिवन है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू इज ए स्क्वायर, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। एंड फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये हमें गिवन है, गिवन है हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे एंड दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू, वहाँ पे माइनस आइडेंटिटी, माइनस ऑलरेडी है, माइनस आइडेंटिटी पुट करेंगे देन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये किसकी कंडीशन होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, इम्प्लाइज दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर इवन होना चाहिए, का जो ऑर्डर होगा इवन ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का। लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हम इसका ऑर्डर एन ले लेते हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एन जो वो इवन नंबर होगा। ओके, एंड हमें गिवन है यहाँ से ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए डैश इक्वल टू माइनस ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए डैश, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, मोड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए डैश। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो एन ऑर्डर की है, एन ऑर्डर मीन्स इसमें एन रो और एन कॉलम, एन क्रॉस एन ऑर्डर की ले ली हमने। जैसे ही आप माइनस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं, माइनस को हम डिटर्मिनेंट से या आउटसाइड लेके आएंगे, तो जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वही उतनी पावर हो जाती है -1 की। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस
वन की पावर एन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जितना भी ए का ऑर्डर होगा माइनस वन की उतनी ही पावर हो जाएगी, बिकॉज इसमें एन रो है तो हर एक रो से माइनस एक एक बार कॉमन आएगा, तो एन टाइम कॉमन आएगा तो माइनस वन की पावर एन हो जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कैसे है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से वन आ जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर एन इक्वल टू जीरो। आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो और वन माइनस माइनस वन रेज टू पावर एन इक्वल टू जीरो। या तो ये फैक्टर जीरो होगा या ये फैक्टर जीरो होगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है। ओके, ये हम इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। नाउ अब हम ये दिखाते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो नहीं हो सकता। ये हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू ए इक्वल टू माइनस आई। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस आई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन, बिकॉज आई इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर एन एंड आई का डिटर्मिनेंट वन हो जाता है। मल्टीप्लाई लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ आई विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, नाउ हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए यहाँ से दो डिटर्मिनेंट का हमने यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस वन रेज टू पावर एन आ रहा है। एन इज एनी नंबर, इवन और ऑड हमें नहीं पता यहाँ से। ओके, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ ये फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ये हो नहीं सकता हमारा, अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया अपने दिस कंडीशन। देन बचा के यहाँ से दिस कंडीशन इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वन माइनस माइनस वन रेज टू पावर एन इक्वल टू जीरो, माइनस वन रेज टू एन इक्वल टू वन। माइनस वन की पावर हमने कोई नंबर लिया, आंसर आ रहा है वन। कब पॉसिबल है? इफ एन इज इवन, या ऐसे देखते हो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है कब होएगी? जब एन इवन नंबर होगा। तो आपको ये प्रूव करना था कि ए ऑर्थोगोनल होने चाहिए, ऑर्थोगोनल पहले प्रूव कर दिया हमने, और इवन ऑर्डर के होने चाहिए। तो एन हमने लिया था मैट्रिक्स ए का ऑर्डर विच इज इवन। एग्जाम्पल थ्री, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू ए डैश इक्वल टू बी इंटू बी डैश, ये कंडीशन हमें गिवन है और हमें शो करना है देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी। यहाँ पे कैसे मैट्रिक्स पी आनी चाहिए विच इज ऑर्थोगोनल सच दैट ए इक्वल टू बी पी, यानी इस कंडीशन को होल्ड करता हो। तो हमें यहाँ से गिवन क्या है? ए इंटू ए डैश इक्वल टू बी इंटू बी डैश, फर्स्ट इक्वेशन। देन हमें शो करना है, प्रूव दैट देर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पी सच दैट ए इक्वल टू बी पी, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करता हूँ। ऐसी पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, दैट इज अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालती हूँ तो ए इनवर्स यहाँ से बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए? ए इक्वल टू बी पी है, मुझे पी की वैल्यू चाहिए तो मैं पी बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँगी, दैट मीन्स बी इनवर्स ए इक्वल टू पी। ये वैल्यू हम पी की यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन हमें होल्ड करवानी है। ठीक है, नाउ क्योंकि पी मैट्रिक्स हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, पी कैसी होनी चाहिए? ऑर्थोगोनल होनी चाहिए जो इस कंडीशन को होल्ड करती हो। नाउ ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए पी और पी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पी इंटू पी डैश और पी की वैल्यू रखते हैं, दिस इज बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स ए का ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे पी का ट्रांसपोज है। ओके, ऑर्थोगोनल के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? पी पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन सॉल्व दैट, बी इनवर्स इज एज इट इज ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ए पहले आएगा, बी इनवर्स ट्रांसपोज, बी इनवर्स ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बी डॉट बी ट्रांसपोज के, और इसको आप लिख सकते हो बी ट्रांसपोज का इनवर्स, इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से रिजल्ट का यूज़ किया है. डन. बी इनवर्स बी फर्स्ट दोनों इकट्ठा ले लिया हमने एंड बी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का इनवर्स. बी इनटू बी इनवर्स इज आइडेंटिटी एंड बी ट्रांसपोज का इनवर्स यानी कि बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रखी है विच इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी. देन पी इंटू पी डैश किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. क्वेश्चन फोर्थ इज ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ए हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है इफ एंड इफ बी इक्वल टू ए इंटू पी. दोनों कंडीशन हमें गिवन है वेयर पी नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. देन हमें प्रूव करना है कि बी इंटू पी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल. तो पहले देखिए गिवन क्या क्या है हमें. ए ऑर्थोगोनल है दैट मीन्स ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इक्वल टू ए इंटू ए पी मैट्रिक्स. ये हमें गिवन है. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं या फिर इसको फर्स्ट ले लीजिए इसको सेकेंड ले लीजिए. यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. बोथ साइड इनवर्स अप्लाई कर दीजिए बी इनवर्स ए पी इनवर्स. इसको अपन करेंगे पी इनवर्स ए इनवर्स ये आ जाएगा. ठीक है. तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए इसका यूज़ करेंगे हम. हमें प्रूव करना है बी इंटू पी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल दैट मीन्स इसी का ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आना चाहिए. नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बी इंटू पी इंटू बी इनवर्स और इसी का लेते हैं हम ट्रांसपोज. समझ गए. तो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए जो भी मैट्रिक्स को प्रूव कर रहे हो उसी का ट्रांसपोज लेके उसको आइडेंटिटी प्रूव करते हैं. यहाँ से इसको ओपन कीजिए या बी की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू कंप्लीट बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर लीजिए फ्रॉम सेकंड. इसको ओपन करते पी इंटू बी इनवर्स ट्रांसपोज ओपन करेंगे देन बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स का ट्रांसपोज एंड पी का ट्रांसपोज. हमने ट्रांसपोज ओपन किया बी इनवर्स की वैल्यू रख लेते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पी इंटू पी इनवर्स ए इनवर्स. ये मैंने बी इनवर्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो P inverse A inverse का ट्रांसपोज इंटू P डैश P इंटू P इनवर्स इकट्ठा कर लीजिए A इनवर्स एंड यहाँ से P ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो पहले A इनवर्स ट्रांसपोज एंड P इनवर्स ट्रांसपोज इंटू P डैश. ठीक है. नाउ P इंटू P इनवर्स A इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स ऐसे ले सकते हैं हम. इनवर्स को बाहर ट्रांसपोज को हमने अंदर ले लिया एंड यहाँ से आ जाएगा पी डैश इनवर्स पी डैश पी इंटू पी इनवर्स. इसको हमने लिख दिया ए डैश इंटू ए का इनवर्स और ये आ जाएगा पी. यहाँ पे इसको हमने इनवर्स को यहीं रखना है और इसका ट्रांसपोज. ठीक है. तो P का ट्रांसपोज इंटू पी इनवर्स. अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये नंबर पहले आ जाएगा ये नंबर बाद में चला जाएगा. ठीक है. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. P इज अ नॉन सिंगुलर दे रखा है हमें तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और P इनवर्स के साथ आइडेंटिटी बनाएगा. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि ऑर्थोगोनल दे रखा था तो A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी. दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी ट्रांसपोज. तो कंप्लीट हमारा आइडेंटिटी आ गया. हमने इसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी शो कर रहा है दैट मीन्स पी इंटू बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल. क्वेश्चन सिक्स्थ इज शो दैट ए इक्वल टू दिस इज यूनिटरी एंड फाइंड ए इनवर्स. अब ए मैट्रिक्स यूनिटरी कब होती है. ए इज यूनिटरी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है. देन यहाँ से कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे. ए थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे. ए कंजुगेट का ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे. ठीक है. ए कंजुगेट करोगे और इसका ट्रांसपोज फिर हमें करना है ए इंटू ए थीटा. मैट्रिक्स ए की और ए थीटा की मल्टीप्लाई करनी है जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आना चाहिए. देन आपकी मैट्रिक्स ए यूनिटरी शो हो जाएगी. ठीक है. फिर आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए. अब क्योंकि ए आप यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव कर दोगे तो कंडीशन होल्ड करेगा ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ये आप प्रूव कर चुके होगे यहाँ पे. देन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रही है इम्प्लाइज दैट ए थीटा इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है इस हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ए थीटा. ठीक है. तो जो आप यहाँ से ए थीटा फाइंड आउट करोगे दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए.
ठीक है। तो यहाँ पे वही आंसर आएगा जो आप यहाँ से ए थीटा फाइंड आउट करोगे, ये ए का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद ट्राई कीजिए। सेवन्थ कहता है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ यूनिटरी इफ़ एंड ओनली ये कंडीशन होल्ड करता हूँ। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ए मैट्रिक्स यूनिटरी है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, और अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो ए मैट्रिक्स यूनिटरी बनेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूव करोगे लेट ए इज यूनिटरी एंड वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन, क्योंकि ए मैट्रिक्स यूनिटरी गिवन है तो यहाँ से ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंडीशन हम लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। ए इंटू ए थीटा निकालिए यहाँ से, सबसे पहले आपको यहाँ से ए थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ही मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ए थीटा मैट्रिक्स ए गिवन है, ए थीटा आप यहाँ से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, मैंने डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख दिया है। ए थीटा कैसे निकालोगे, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स आपको गिवन, ठीक है। तो ए थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ से, देन हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए यूनिटरी दे रखी है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ से हम इफ एंड ओनली साथ साथ प्रूव कर देते हैं, कैसे, ए इंटू ए थीटा निकाल लेते हैं, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के साथ तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। नाउ ए इंटू ए थीटा इज यूनिटरी, अब ये मैट्रिक्स यूनिटरी कब बनेगी, जब ये आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी कब होती है, जब इस जो ये नंबर है इसकी वैल्यू वन आ जाएगी तभी आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि नंबर सेम है 1001। इफ़ एंड ओनली इफ कब बनेगी यूनिटरी, अगर ये आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी कब बनेगी, जब ये नंबर हमारा वन आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो कन्वर्स पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि ये अगर वन के इक्वल आ जाता है तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। फिफ्थ चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।